तो मशीन में कपड़े भी डाले हुए हैं जी, और बस यहाँ पर इनकी पैकिंग चल रही है। आप ये दोनों वो लेके जाओगे बैग्स, नहीं, हम सिर्फ ब्लैक वाला लेके जाएंगे। ब्लैक वाला छोटा वाला है ना। हाँ हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जूले, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं इस टाइम अपने किचन गार्डन में हूँ, और देखिए दोस्तों, मैं हूँ जी लद्दाख के एक छोटे से विलेज त्यक्षी से। तो ये है जी मेरा छोटा सा विलेज, और मैं यहाँ पर इस टाइम जो है कुछ प्याज के पौधे लगा रही हूँ दोस्तों। और ये शाम का टाइम है, 4-5 बजे के टाइम है। तो मुझे अभी पौधे लगाने के बाद में जो है मुझे अपने किचन में बहुत सारे काम हैं, कुछ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है मुझे। और यहाँ देखिए शाम के टाइम कोई भी इस टाइम यहाँ पर आए तो अपना दिल हार जाए दोस्तों। और यहाँ का मंज़र देखिए कितना पीसफुल है, और मैं हूँ जी यहाँ पर बहुत बिज़ी। पता नहीं यार, मैं अपने बच्चों के बगैर कैसे रहूंगी। मुझे याद आ रही तुम्हारी, हम गए भी नहीं है अभी तक। हफ्ते में वापस आ जाना ठीक है? ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग 8-10 दिन रहोगे, फिर चले जाओगे, है ना? और ये है जी हमारा बेडरूम जो इस टाइम काफ़ी फैला हुआ और है। देखिए दोस्तों, कल सुबह मेरे बच्चे जा रहे हैं लेह, तो मेरी दोनों बेटियां, तो ये कुछ दिनों में वापस आएंगी। तो बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि ये लोग जा रहे हैं, और फिर वहां से आने के बाद कुछ दिन में इनको जाना है जी देहरादून वापस। और यहाँ पर अब जो है शाम को मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, मशीन में मैंने कुछ कपड़े भी डाल रखे हैं, तो सुबह इनकी जाने की तैयारी भी है। और फिर ऊपर से इनकी डिमांड थी कि इनको जो है चिकन, कश्मीरी चिकन रिश्ता खाना है, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको कश्मीरी चिकन रिश्ता बनाती हूँ। तो बस सारे काम इकट्ठे ही हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं, और शाम के टाइम जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है लाइफ, और रूटीन मेरा जो है बहुत हैक्टिक सा हो जाता है दोस्तों। और फिर आज तो कुछ ज़्यादा ही हैक्टिक हुआ है, क्योंकि इधर बच्चों को और इधर जो है मैंने अभी शाम के टाइम क्या किया ना कि अपने किचन गार्डन में मैंने पौधे लगाए हैं प्याज के, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब जाती हूँ जी किचन में, और मैं फटाफट से बनाती हूँ उनके लिए कश्मीरी चिकन रिश्ता, ठीक है। और यहाँ पर ये है जी कुछ मिर्चें और शिमला मिर्च के पौधे, इनमें मैं पानी डाल करके मैं रख दूंगी, और फिर मैं इनको कल सुबह ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो लेट हो जाऊंगी। और अब यहाँ पर ना मैंने चिकन को अच्छे से साफ किया था, और अब मैं क्या कर रही हूँ ना जो है इनको इसमें कूट रही हूँ, ठीक है ना। तो इनको मुझे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही महीन करके कूटना है दोस्तों, मतलब ऐसे कूटना है ना कि ये बिल्कुल महीन हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें मैं थोड़े से जो है साबुत मोटे वाले जो इलायची होते हैं ना, काली इलायची, उनको छीलूंगी मैं, और उसके कुछ बीज भी इसमें डाल करके ना मैं कूटने वाली हूँ, ठीक है ना। तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से कूटना है दोस्तों, वरना जो है हमारा जो चिकन रिश्ता है अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पर अभी जो है बच्चों को, अरहान को जो है बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर चाय बनाई है, और चाय के साथ में मैंने यहाँ पर तल करके रखी है जी कचरी। हम लोग तो कचरी कहते हैं, पर हमारे यहाँ विलेज में इसको टूटू कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए टूटू भी फ्राई किए हैं, तो मैं ये बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पर जो साबुत मसाले थे ना, उनमें से मैंने काली मिर्च जो मोटी वाली होती है, काली ब्लैक पेपर, कार्डमम जिसे कहते हैं, ब्लैक कार्डमम, उसका जो है मैंने बीज निकाल दिया है, वो एक साइड रखा है देखिए। और ये जो कुछ साबुत मसाले हैं ना छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा डाला है मैंने, और ये जो साबुत काली मिर्च के मोटी वाली के जो बीज हैं इनको मैं डाल दूंगी रिश्ते में, और इसको भी साथ में बहुत ही अच्छे से कूटने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने पानी चढ़ा रखा है दोस्तों, इस पानी को मुझे इतना गर्म करना है कि ये पानी काफ़ी गर्म हो जाए, बस जब हम इसमें उंगली डिप करें ना तो हमारी जो उंगलियाँ हैं वो बिल्कुल जले नहीं, बस ये बहुत ही गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से जब गरम हो जाएगा ना, बहुत गरम नहीं, तो मैं क्या कर दूंगी ना, यहाँ पर गैस का फ्लेम कर देंगे हम लोग बंद, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है फटाफट से हाथों में पानी लगाते हुए क्या कर रहे हैं हम, जो रिश्ता है ना जो हमने जो है कूट के रखा था,
तो उसके हम बना रहे हैं छोटे छोटे बॉल, हमें बहुत बड़े बड़े बॉल भी नहीं बनाने हैं और ये हाथों में बहुत चिपक जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि पानी में हाथों को डिप करते हुए, हाथों पर पानी लगाते हुए उससे हम इसको गोला बनाएंगे, ठीक है ना। और वो जो मोटी इलायची डाल करके भी मैंने इसे कूटा है ना, तो मैंने इसमें एक चम्मच नमक भी डाला था, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब जो गर्म पानी है ना उसमें मैं डाल रही हूँ इन रिश्तों को, और ये चिकन रिश्ते सारे इसमें जाएंगे और फिर हम यहाँ पर जो है इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे ना इसको उबालेंगे, ओके। और उबाल करके जो ऊपर झाग जैसी बनती है ना चिकन या मीट उबलता है तो वो सारा झाग निकाल देंगे और फिर हम एक साइड में क्या करेंगे ना कि इसमें डालने के लिए हम जो है इसकी ग्रेवी तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम जो है सिम करके रखा थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमने तेज़ किया, तो जब ये बहुत उबलने लगे ना तो ऊपर से जो है चिकन के उबलने की वजह से ना तो जो है इसमें झाग जैसे निकल रहे हैं ना, तो उन सबको मैं इकट्ठा करते हुए सारा निकाल दूंगी, क्योंकि उससे ना इसमें जो चिकन की एक स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कश्मीरी चिकन रिश्ता बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों, और बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है, तो जिससे सब लोग बहुत शौक से खाते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी ज़रूर ज़रूर बनाइएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और वो सारा झाग निकालने के बाद में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो है साबुत मसाले डाल दूँगी। साबुत मसालों में मैंने 2-3 हरी इलायची ली है और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का लिया है और 2-3 टुकड़े मैंने इसमें मोटी इलायची के डाले हैं, ठीक है। और बस हमने इसको डाल दिया है और अब यहाँ पर जो है मैंने प्याज पीसा था ना भुना, वो जो फ्राई किए हुए प्याज थे उनको भुन वो पीस लिए थे ना, तो उसी में मैंने क्या किया, मेरे पास पीसा हुआ सौंफ नहीं था तो मैंने साबुत सौंफ थोड़ा डाला है, तो इनको मैं अच्छे से पीस दूँगी, ठीक है ना। इनकी भी पेस्ट बना लेंगे हम और इसको भी हमें डालना है इसी जो है चिकन रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है क्या करूँगी अब फटाफट से ना इसमें थोड़े बहुत हमें डालने हैं जी पिसे हुए मसाले भी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर और मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और फिर मैं इसमें डालूँगी जी थोड़ा सा और जी अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसे हुए प्याज और सौंफ का जो पेस्ट था ना उसको डाल देंगे, ठीक है ना। बस फिर हम इसको ढक कर के उबलने देंगे और यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज और सौंफ का पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रिश्ते में डालने के लिए जो ग्रेवी बन रही है उसमें मैंने यहाँ पर लिया था जी मस्टर्ड ऑयल और हमें इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाना है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा जो है हमने लाल मिर्च पाउडर डाला था और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था ताकि ये जले ना। और बस इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके ना फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें 2-3 चम्मच जो है टोमेटो प्यूरी डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टोमेटो प्यूरी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 2-3 चम्मच छोटे वाले इसमें मैं टोमेटो प्यूरी डालूंगी, फिर इसको थोड़ा सा भून देंगे, बस फिर हम इसको डाल देंगे जी अपने रिश्ते में, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पर देखिए जी जो टोमेटो प्यूरी का जो हमने पेस्ट डाला था ना तो उसको हमने भुना ना, तो भुनने के बाद में यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल दानेदार सा हो चुका है, तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ रिश्ते में। तो बस रिश्ते में डाल दिया हमने और अभी इसमें हमने पानी डाला हुआ है इस हिसाब से कि ये उबल उबल करके ना चिकन भी पक जाए और फिर ग्रेवी भी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, ठीक है ना। तो नमक भी डाल दिया है मैंने इसमें अपने अंदाजे से और जो है मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो भी कूट करके मैंने इसमें डाला है, ठीक है ना। तो बस अब हम इसको ढक करके रख देंगे दोस्तों, कम से कम 20-25 मिनट में जो है हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका होगा और इसका इसके जो वो है ना रिश्ता जो है रिश्ते के जो गोले हैं वो बिल्कुल फ्लफी भी हो चुके होंगे, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे रिश्ते की ग्रेवी को पकते हुए हो चुके हैं 15-20 मिनट। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और जो हमारा रिश्ता है ना वो भी बिल्कुल पक चुका है। और जो रिश्ता है ना वो पक करके ना बिल्कुल फ्लफी हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। यहाँ देखिए हम इसको दबा रहे हैं ना तो ये बिल्कुल जो है नरम नरम हुआ है। ये देख लीजिए मैंने इसको दबाया ना तो ये बिल्कुल नरम नरम हुए हैं और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है दोस्तों। ये जो रिश्ता है ना बहुत ही टेस्टी बना है, वो बहुत ही डिलीशियस। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है जी। अब मैं फटाफट से इनको डिनर करवा देती हूँ और फिर बहुत सारे काम है दोस्तों, बच्चों को जाना है सुबह ले। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बस मैंने यहाँ पर रिश्ते को सर्व भी किया है दोस्तों और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बना है। आप लोग भी घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।